करता हूँ, आपके सामने नज़र आएगा, अभी भी आप देख सकते हो। आप यहाँ जब विजिट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक चप्पल के सहारे एक पावर केबल को सपोर्ट। कैसे हो, नई वीडियो के साथ में हम आ चुके हैं। फिलहाल मैं हूँ नागझरी रोड पर मैं, और यहाँ पर एक सबसे बड़ी चूक दिख रही थी, इसके लिए मैं यहाँ से वीडियो शुरुआत कर रहा हूँ। तो वीडियो यहाँ से शुरुआत नहीं करता, मेरे पीछे देख रहे हैं पॉल जा रहा है, लाइटिंग का पॉल जा रहा है। और मैं बता दूँ, वहाँ पर इंसुलेटर टूट चुका है, जो सेकेंड वायर है, जो पावर का सेकेंड वायर है, उसका इंसुलेटर टूट चुका है, और वह चप्पल के रबड़ के सहारे रखा हुआ है। सोच सकते हो इतना प्रॉब्लम आ रहा है एमएससीबी को। और जो इस लोकेशन का जो एमएससीबी का जो लड़का या जो भी बंदा होगा, वो भी इसका कंप्लेन नहीं कर रहा है। कल के दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है इस एक छोटी सी चूक से। देख सकते हो कितनी बड़ी चूक है, पावर केबल जा रहा है और चप्पल के सहारे उसे रोका गया है, खंभे पे पावर। क्या बात है, एक बार फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, जरा व्यू देखो, जरा आप भी देख के हैरान हो जाओगे। केवल है ये, फिलहाल मैं नागझे रोड पे हूँ, और मैं अभी फिलहाल में गांव का नाम तो नहीं आइडिया, लेकिन ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको, इसे जूम करता हूँ, आपके सामने नज़र आएगा, अभी भी आप देख सकते हो। आप यहाँ जब विजिट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एक चप्पल के सहारे एक पावर केबल को सपोर्ट दिया गया, इंसुलेटर उसके जगह पर नहीं लगाया गया, उसके जगह सिर्फ चप्पल रख दिया गया है। देख सकते हो कितनी बड़ी चूक है मेडिसी एमएससीबी की तरफ से, ये बड़ी चूक है, क्योंकि पावर से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी चूक है एमएससीबी की। जैसे निकल के वापस हम आ चुके हैं गैरेज पे, थोड़ा काम था और मैं चल चलता हूँ गैरेज के पास, क्योंकि कल काम नहीं करा पाया था, कल भी गैरेज पर आया लेकिन कल काम नहीं करा पाया। तो फिलहाल मैं वापस गैरेज पर आया हूँ, अभी गाड़ी खड़ा किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ, सोचो कि वो चप्पल काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, कभी बाई मिस्टेक कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या, और बड़े ऑफिसर्स के नज़र में जब पॉइंट जाएगा तो कितना बड़ा मतलब एक बोलेंगे, चलो एक इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए इस ऐसा उन्होंने किया होगा, मैं मान सकता हूँ उस मोमेंट में, मोमेंट के हिसाब से जब ये वायर का टूटा होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो। लेकिन उसके बाद इन वीक, उसी वीक में उसे चेंज भी करना चाहिए था, तो बहुत बड़ा पॉइंट है एमएससीबी की तरफ से। चलिए कोई बात नहीं, मैं एमएससीबी से बोलना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इंसुलेटर को चेंज कर दिया जाए और चप्पल को निकाल दिया जाए। एक गिल्टी फील होता है उस चीज़ को देख के कि क्या ऐसे भी दिन, ऐसा दिन कभी नहीं होना चाहिए, कि कोई हंसना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात कोई हंसना नहीं चाहिए। सभी लोग प्राउड करते हैं एमएससीबी के ऊपर, प्राउड ही करना चाहिए, हंसने वाला काम नहीं, क्योंकि ये जो चप्पल रखा हुआ है ना, सबसे गिल्टी फील हो रहा है। आप जल्द से जल्द इसे कम्प्लीट करें, और मैं फिर एक बार विजिट करूँगा उस लोकेशन पर और देखूँगा कि अभी तक वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो दी, वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो जरूर शेयर करना, ठीक है। तो गैरेज में हूँ, गैरेज का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, बाय बाय।